मेहनत कर ले, भीख मत मांग, झूठी सहानुभूति बटोरने का अच्छा तरीका है। तुम्हारे जैसे लोग के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा मस्त तरीका है भीख मांगने का। और भी बहुत सारे कमेंट हैं और उन सब कमेंट को एक बार आपके सामने रख लूं, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। एक कमेंट है कि अब अपनी औकात पर आ गया। अगला कमेंट है कि अच्छा तरीका है भीख मांगने का। एक और है, प्रेम कुमार जी ये लिखते हैं कि भीख मांगो। एक भाई साहब है, YouTube वाला कमेंट आपको दिखाते हैं, ये सब Facebook वाला था। YouTube पे एक भाई साहब लिखते हैं कि बतावा का जानी कौन कंपनी में नौकरी करत रहला कि 90,000 सैलरी मिलता। आईएस नहीं न थे, इनके कहने का मतलब ये है। अब इस तरह का निगेटिव कमेंट कहाँ आ रहा है, किसके वीडियो पे आ रहा है? दरअसल ये एक भाई के वीडियो पे कमेंट आ रहा है जिस भाई से मेरा वैचारिक मतभेद था, और आज मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। दरअसल मामला ये है कि मतभेद के बाद तमाम तरह की बातें हुई, आप लोग जानते होंगे। भाई जेल गए, उनकी नौकरी चली गई। कहीं ना कहीं अहंकार को वजह बताया जा सकता है, लेकिन खैर उन बातों पे मैं नहीं जाऊंगा। कल उन्होंने एक वीडियो डाली है, आज अभी हम वो वीडियो देखें, जिसमें वो बहुत ही भावुक अंदाज में पहली बार, 1.5-2 सालों में पहली बार वो अपने दोनों मासूम बच्चों के बारे में बात करते हुए दिखे, माता पिता के बारे में बात करते हुए दिखे, अपने परिवार वालों के बारे में बात करते हुए दिखे। और पहली बार ऐसा लगा कि कोई इंसान बात कर रहा है। उस वीडियो ने मुझे भावुक कर दिया, जाहिर सी बात है। मेरे जो है संस्कार ऐसे हैं, मेरे पूर्वजों से हमने सीखा है, हमारे बड़े जो घर के लोग हैं उन्होंने हमें बताया है कि हमेशा माफ करने वाले लोग बड़े होते हैं। तो हमने जो है आज उनके उस वीडियो के बाद, जिसमें वो डोनेशन मांग रहे थे, पता नहीं वो पर्सनल अपने लिए मांग रहे थे या फिर वो कोई एनजीओ ट्रस्ट वगैरह बनाना चाहते हैं उसके लिए कर रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया, मैं उन बातों पे जाऊंगा भी नहीं। लेकिन वो डोनेशन मांग रहे थे और भावुकता के साथ मांग रहे थे, तो हमने अपना फर्ज निभाया और हमने डोनेशन उनको जो है, आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे, अभी हालांकि मेरी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन 501 रुपया हमने जो है उनको भेजा है। शुरुआत में कमेंट पढ़ने का क्या मकसद था? कमेंट पढ़ने का मकसद ये था कि कृपया आप लोग किसी के भी इनबॉक्स में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके इस तरह से कमेंट ना करें। और अगला जिस तरह का था, या आगे वाला इंसान अगर जो गलती कर रहा है वही सेम गलती अगर आप भी करिएगा, तो फिर आप में और उनमें कोई खास अंतर रह नहीं जाएगा। और ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी मेरे संपर्क के भी लोग हैं उनसे डोनेशन भिजवाया जाए और मदद की जाए। वैचारिक मतभेद है वो अपने जगह पे है और हर किसी में होता है, लेकिन जब कोई बुरे स्थिति में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि वो समाज के लिए अच्छा करेंगे। जो मकसद के साथ आए थे उस मकसद को जो है हासिल करेंगे। पर्सनली जो वो कर रहे थे, जो अहंकार उनमें था, वो शायद अब हट जाए और उनकी नौकरी चली गई, इसके लिए दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं। और खास करके एक निवेदन ये होगा भोजपुरी कलाकारों से कि आप लोग भी जो है मदद करिए। जो चीज़ें थी वो तो थी ही, सब लोग जानते हैं, लेकिन अब जब कोई सामने से आके मदद मांग रहा है तब आप मदद करें। मेरे तरफ से मदद कर दी गई है और अच्छा लगा वो वीडियो देख के। आगे मैं अगर सक्षम रहूं और इस तरह का वीडियो अगर आए तो मैं फिर से कोशिश करूंगा कि और भी मदद की जाए। बाकी उन दोनों बच्चों को मेरा आशीर्वाद। और परिवार वालों के साथ तो हमेशा से स्नेह है, वैचारिक मतभेद उनसे थी और अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है गाली दिया था, माँ को भी मेरी जो है उन्होंने गाली दिया था, लेकिन उसकी सजा उनको मिल गई है। और उस सजा में खैर उन बातों को अब यहाँ चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन ठीक है, उनका जो संस्कार था उन्होंने दिखाया, मेरा जो संस्कार था हमने दिखाया। फिलहाल हमने जो है आप लोगों से अपील के लिए वीडियो बनाया है कि आप लोग निगेटिव कमेंट ना करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि उनको मदद मिले। नाम इसलिए उनका नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने धमकी दिया है कि नाम लोगे तो गाली देंगे, तो भैया गाली नहीं सुनना है।
शुक्रिया।